वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप लोग अपना म्यूट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी मेंस 2022 के डिस्कशन के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। 5 जून को यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम ली थी और उसके बाद अभी 16 सितंबर से मेंस एग्जाम शुरू हुई है। निबंध का पेपर कल खत्म हो गया था और उसके भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था करीब 2 घंटे, वो भी आप यहाँ अकेडमी के लेट्स क्रैक चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 1, जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1, जहाँ पर हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी में जो प्रश्न पूछे गए उसके एक एक करके हमने मॉडल आंसर, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब समझना है। इस कार्यक्रम के लिए मैं स्वागत करता हूँ प्रतीक नायक सर, अनुज गर्ग सर और आरती छावरी मैम, जो यहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब के जवाबों की एनालिसिस करेंगे। मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं और आगे हमने क्या क्या तैयारी में अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, वो सब बातें करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देखें कि यूपीएससी जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1 250 मार्क का होता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी 3 सेगमेंट होते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही चल रहा है पिछले 5 साल में, 2017, 2018, 2019, 2020 आप देखिए 75 मार्क का पूछ रहे हैं। सोसाइटी जो पूछते थे वो थोड़ी कम हो रही है और ज्योग्राफी जो पूछ रहे हैं वो थोड़ी ज्यादा हो रही है, सो दैट इज अ डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अब मित्रों, यहाँ पर अभी जो हम प्रोग्राम आज जो चल रहा है, जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1 सब टॉपिक हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप जानते हैं आर्ट एंड कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री मामूली पूछा जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी कई साल तक नहीं पूछा, फिर वापस थोड़ा पूछते हैं, ज़्यादा रुख रहता है कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। इस ट्रेंड की और एनालिसिस हमारे साथ जो एजुकेटर्स जुड़े हैं वो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब हिस्ट्री के अंदर जो प्रश्न पूछे गए 75 मार्क के, कुल मिलाकर मिडिवल इंडिया का टेम्पल स्कल्पचर क्या था, गुप्ता और चोला साम्राज्य की हेरिटेज क्या है, लायन और बुल फिगर उसमें से क्या, माइथोलॉजिकल और सब आर्ट कल्चर की हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के ही सिपाही थे लेकिन वो भारत के शासकों के सेना से बेहतर कैसे थे। फिर एक प्रश्न पूछा कि कॉलोनियल इंडिया में अकाल या फेमाइन क्यों ज़्यादा बढ़ रहा था, और ये आज़ादी के पहले से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था जो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। सो दिस वेर टोटल 6 क्वेश्चंस आस्क्ड। नेक्स्ट स्लाइड। मित्रों, ये जो हम चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि हवा में बस ऐसे ही बातें करनी है, नहीं, इसका पूरा प्रॉपर पावर पॉइंट है, ऑलमोस्ट 100 स्लाइड्स बनाए गए हैं, मॉडल आंसर इस पावर पॉइंट के अंदर ही है, जिस पर और आराम से चर्चा हमारे साथी एजुकेटर करेंगे। और ये पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना है unacademy.com/content। ये लंबा यूआरएल, हालांकि इसको टाइप नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिया होगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड करें। और उसी तरह निबंध का भी डिटेल आंसर वाला पावर पॉइंट अपलोड किया है, और आगे भी जो मेंस पेपर 2, मेंस पेपर 3, मेंस पेपर 4 एथिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट के कुछ पेपर्स, उसमें भी हम ये करने वाले हैं, सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने पैनल्स के साथ ये प्रश्नों की अब चर्चा शुरू करें। मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर में हमें ये पूछा गया, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में पूछा गया था। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आरती छावरी मैम को कि इसको हम कैसे हैंडल करें। ओके, सो सर, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न स्कल्पचर और आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ पहले भी आता आया है, पर ये क्वेश्चन जो है वो मेडिवल इंडिया से पूछा जा रहा है। मोस्टली जब हम स्कल्पचर की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पहले आया है जो गांधर स्कूल के स्कल्पचर से था, जिसको ग्रीक और रोमन के स्कल्पचर्स जो है उनसे थोड़ा कनेक्ट करके बताना था कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज हमें नजर आती है। दूसरा रॉकेट आर्किटेक्चर से भी पहले प्रश्न आए हैं और चोल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आए हैं, पर ये प्रश्न मध्य भारत को फोकस कर रहा है और इस एरिया में हम मोस्टली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्कल्पचर्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन असल बात यह है कि अगर हम एंशियंट से मेडिवल तक जाएं या मेडिवल से आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं तो स्कल्पचर्स को देखते हुए हमें समझ आता है कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया का जो कल्चर है, ये सिम्बॉलिक नेचर का है, ये सजेस्टिव नेचर का है। ये कोई भी स्कल्पचर अगर बनाया जा रहा है तो वो ऐसे नहीं, उसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग है। जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसके पीछे का कुछ हिडन मीनिंग होता है, यानी कि इट सजेस्ट समथिंग। तो ऐसा ही मेडिवल पीरियड के स्कल्पचर्स में भी हमें नजर आता है,
उन स्कल्पचर से भी हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एकदम से देखने पे नजर नहीं आ रही, बट इट सजेस्ट सम अदर इंफॉर्मेशन विच इज इम्बाइब्ड डीप इनसाइड इट। तो वो चीज मध्य भारत में भी हमें नजर आ रही है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, क्योंकि टेम्पल्स आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो इसमें हम नागर स्टाइल के टेम्पल्स देख सकते हैं और द्रविड़ियन स्टाइल के टेम्पल्स देख सकते हैं। नागर स्टाइल में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे सबसे खूबसूरत जो स्कल्पचर्स हमें नजर आते हैं वो खाजुराहो के मंदिरों में हमें नजर आएंगे। जैसे हम वहाँ पे मिथुन स्कल्पचर्स काफी ज्यादा देखते हैं, कपल्स में स्कल्पचर्स हमें नजर आते हैं। द थिंग इज कि उस समय में, उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में, हम जानते हैं कि मिस्टिसिज्म काफी बढ़ता हुआ नजर आता है, इस तरफ थोड़ा सा झुकाव हमें नजर आता है, भक्ति मूवमेंट भी डेवलप हो रहा है। तो एक आइडिया था गॉड से कनेक्ट होने का, गॉड से यूनाइट होने का। तो ये जो मिथुन स्कल्पचर्स हैं ये उस यूनियन को सिंबोलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको सजेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाज में, इस एरिया में मिस्टिसिज्म के जो आइडिया है उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो इन स्कल्पचर्स में हमें देखने को मिलती है। सेम आप अगर साउथ में चले जाते हैं, साउथ में यू विल फाइंड विट्ठल स्वामी टेम्पल है, या हजारा राम स्वामी टेम्पल है, विरूपक्ष टेम्पल, मोस्टली हम्पी से जुड़े हुए या फिर विजयनगर एम्पायर से जुड़े हुए जो मंदिर हमें दिखते हैं, वहां पे एक खास चीज, वहां पे आपको एक पार्ट मिलेगा रंग मंडप। देयर आर डिफरेंट मंडप्स, द्रविड़ियन टेम्पल्स जो है अलग अलग प्रकार के मंडप्स के लिए काफी पॉपुलर है, कल्याण मंडप जिसमें विवाह होते हैं, लेकिन रंग मंडप एक ऐसी जगह है जहां पे आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, वो भी फीमेल फिगरिंग, वो भी नाचते हुए, और नीचे फिर आपको गांधर स्कल्पचर्स मिलेंगे जो ड्रम्स बजा रहे हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। यानी ऐसा लगता है मानो इस समय के जो लोग थे उनके जीवन में डांस म्यूजिक जो है वो महत्व रखता था, वो इम्पोर्टेंस रखता था। तो वो चीज भी हमें इन स्कल्पचर से ही नजर आ रही है। दूसरा एक स्कल्पचर काफी कॉमन जो नजर आता है वो नर्तकी का स्कल्पचर है, नर्तकी रूप में नाचते हुए, जो साउथ इंडियन टेम्पल्स में काफी कॉमन है रंग मंडप्स में। तो इसे आप इवन अगर इंडियन डांस से कनेक्ट करेंगे तो इंडियन डांस में, साउथ में डांस में, जैसे आप भरतनाट्यम देख लीजिए या फिर मोहिनीअट्टम देख लीजिए, भरतनाट्यम पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इट इज कनेक्टेड टू वन ट्रेडिशन जिसे हम देवदासी सिस्टम कहते हैं। तो ये देवदासी सिस्टम को भी दर्शा रहा है। देवदासी सिस्टम उस समय में हुआ करता था, देवदासियां होती थी जो छोटे, जब बचपन में उनको मंदिरों को दान कर दिया जाता था फिर वो पूरी जिंदगी भर मंदिर के जो गॉड है उन्हीं को अपना जीवन समर्पित कर देती थी और रंग मंडप में डांस भी परफॉर्म किया करती थी। तो देवदासी सिस्टम जो है वो भी उस समय की सोशल लाइफ का ही एक पार्ट है जो हमें स्कल्पचर्स में ही नजर आ रहा है, नर्तकी के रूप में वहां पर हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि मोस्टली साउथ में जो टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स के जो स्कल्पचर्स हैं, जो मेन डेटी, अगर हम वॉल्स की बात ना करें, वॉल्स के ऊपर जो कार्विंग है उसके अलावा मेन डेटी की अगर हम बात करते हैं जिनका वो मंदिर है, वो स्कल्पचर्स मूवेबल हैं। वो वहां पे जो पत्थर है, या जो मोस्टली जैसे चोल के पीरियड में जो स्कल्पचर्स बने हैं वो ब्रॉन्ज के बने हैं, कॉपर के बने हुए हैं। ऐसे ही अगर आप जगन्नाथपुरी टेम्पल चले जाते हैं तो वहां पे लकड़ी का स्कल्पचर है पर वो मूवेबल है। तो ये चीज क्या दर्शाती है? देयर वाज वन सेटअप, एक सिस्टम बनाया गया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जिन्हें आउटकास्ट माना जाता है। आउटकास्ट मतलब उन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं है। तो इन स्कल्पचर्स को मूवेबल बनाने का मतलब ये हुआ कि देर इज सम ओकेशन जिसमें मंदिर के जो भगवान हैं वो बाहर आएंगे और सभी को दर्शन देंगे। तो वो जो आउटकास्ट कुछ यहाँ पे सोसाइटी के लोगों को माना जाता था वो भी यहाँ पे स्कल्पचर्स के थ्रू नजर आ रहा है। जैसे आप जगन्नाथपुरी टेम्पल में रथ यात्रा देखोगे, रथ यात्रा होती है, एनुअल रथ यात्रा, उसके पीछे का आइडिया यही है कि यहाँ पे आउटकास्ट लोग, अनटचेबल्स जो मंदिर में एंटर नहीं हो सकते, वो एक दिन एटलीस्ट ऐसा होगा जिस दिन खुद यहाँ पर जगन्नाथ जी जो है वो बाहर आके सबको दर्शन देंगे। तो ये स्कल्पचर्स ही हैं, उनकी वो मूवेबल है इसीलिए ऐसा किया जा सकता है। तो काफी हद तक स्कल्पचर्स, यस, मेडिवल पीरियड के स्कल्पचर्स जो हैं वो यहाँ पे समाज में जिस प्रकार की चीजें थी उसको दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताया जा सकता है सर, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो वी कैन गिव दीज एग्जाम्पल्स। अभी सर प्रतीक सर, जी सर, इसमें
आप लोग एक बार थोड़ी देर के लिए अपने को म्यूट कर सकते हो अगर, या थैंक यू। हाँ तो ये एको आ रहा है सिस्टम में, इसलिए मेरा सब पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जो एक बोल रहा है वो और बाकी सब लोग म्यूट पे अपने को करें। अच्छा तो मैं बहुत गहराई से, आरती मैम ने हमें अलग अलग एग्जाम्पल से बताया कि कैसे मिडिवल इंडियन टेम्पल्स कल्चर से वहाँ की सामाजिक स्थिति का हमको अंदाजा मिलता है। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछ रहे, नहीं है तो इतने सारे एग्जाम्पल तो हम कैसे लिख सकते हैं विद इन 150 वर्ड्स। देखिए चीज़ ऐसी है कि अगर हम आपको 3 एग्जाम्पल सिखाएंगे तो आपको एक याद रहेगा, तो आप 10, 30, 40 वर्ड्स लिख पाएंगे। तो यहाँ तो हम 9-10 एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो रियल एग्जाम में आपको 4 एग्जाम्पल याद करके जा सकते हैं। तो मतलब एकदम कॉम्प्रेस करके हम भी मार्पीट के 150 वर्ड का ही आंसर करके दिखाओ तो उसमें आपका फायदा नहीं, क्योंकि असल जीवन में आपको वो 4 मुद्दे याद नहीं रखे, तो हमको 9 मुद्दे सिखाएंगे तो 3 याद रहेंगे, 3 ही सिखाएंगे तो एक याद रहेगा। तो वो वाली चीज के लिए मेहनत की गई है। थैंक यू वेरी मच आरती मैम। अब इसी प्रश्न के अंदर मैं राय जानना चाहूंगा प्रतीक सर और अनुज गर्ग सर की, कि और क्या क्या एंगल आपको दिखते हैं जो आप इसमें ऐड करना चाहें। प्रतीक सर जी। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि दोस्तों मैम ने हमको बताया कि जो ये कल्चरल लाइफ को डिपिक करते हैं टेम्पल्स, इसमें आप डायमेंशन ऐड कर सकते हो कि जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स में शिव जी के डेडिकेटेड टेम्पल्स, विष्णु जी के डेडिकेटेड टेम्पल्स, एंड यू कैन ऐड डायमेंशंस टू दैट। क्योंकि आपको प्रश्न ये पूछा है कि मिडिवल इंडियन टेम्पल्स, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली मिडिवल पीरियड, क्योंकि चोला पीरियड से ही मिडिवलिज्म की शुरुआत होती है और चोलास में शिवजी के टेम्पल्स बनते हैं। अब वो टेम्पल्स के अंदर स्कल्पचर्स की खासियत ये हुआ करती थी कि शिवजी के तो स्कल्पचर बनते थे, जैसे नटराज हमको मिल गया है। नटराज वहाँ की एक सोशल लाइफ को कैसे डिपिक करते हैं, तो एक तो प्रोफेशनली आपको ब्रॉन्ज कास्टिंग के रूप में दिखेगा, जो एक इकोनॉमिक प्रोफेशन है, वहाँ की एक कम्युनिटी लाइफ को दर्शा रहा है कि वहाँ पे एक क्लास था जो वहाँ पे ब्रॉन्ज कास्टिंग कर रहा था, वो भी लॉस्ट वेक्स टेक्निक से। ओके, सेकेंड पार्ट हम लोग इसके अंदर से ये भी लिख सकते हैं कि नटराज की बिलीफ सिस्टम थी, मतलब शिवजी अभी भी रेलेवेंट है। नंदी के स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं मंदिर के अंदर ही, तो शिव नंदी के रूप में भी आपको मिल जाते हैं। दूसरी आपको इस पीरियड के अंदर कुछ कुछ अर्ली मिडिवल एरा के अंदर केव्स मिलती है, जहाँ शिवजी अर्ध नारेश्वर के रूप में हमको मिलेंगे। तो ये एक सोशल लाइफ को एक इस तरह से भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगा कि शिव पार्वती दोनों का मिलन भी हो रहा है। एक तो ये हो गया। इसी तौर के ऊपर आप गुजरात के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो, और यू कैन हाईलाइट द केस कि गुजरात के अंदर जैन टेम्पल्स बने हैं, ये जैन टेम्पल्स के अंदर भी स्कल्पचर्स बनेंगे। गुजरात से लेके राजस्थान, दिलवाड़ा ले है, भिलवाड़ा है, पालीतना से त्रुंजी के अंदर आपको मिलेगा वहां पे। अभी ये बेसिकली उस पीरियड के जैन सोशल लाइफ को दर्शाता है, खास करके तीर्थंकरों की मूर्तियों को दर्शाती है ये सोशल लाइफ के अंदर। हम लोग ये भी इसके अंदर से पॉइंट ऐड करने की कोशिश करेंगे कि इस पीरियड के समय पे जो श्वेतांबर संप्रदाय था उनके डेडिकेटेड यहाँ पे ये टेम्पल्स थे, तो ये श्वेतांबर के बारे में भी हमको नॉलेज मिला। थर्ड पॉइंट सर इसी के अंदर से हम लोग जब देखते हैं कि मैम ने जैसे बताया है कि सोशल लाइफ और जगन्नाथ का एग्जाम्पल दिया, तो जगन्नाथ का सिग्निफिकेंस एक ये भी है कि कृष्ण, सुभद्रा और बलराम अपने मामा के घर पे जाते हैं, तो रथ यात्रा इसके लिए निकलती है क्योंकि रास्ते में मामा के घर पे रुकता है रथ। बेसिकली आप देखोगे जो पूरा रूट है, तो उससे हमको ये भी पता चल रहा है कि फैमिली रिलेशन के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। ओके, सो इफ इफ यू नो द कल्चरल पार्ट, और उसमें भी सर सोशल लाइफ में खासियत ये है कि इनकी मूर्ति लकड़े से बनी होती है, रथ भी लकड़े से बना है, मतलब कारपेंटरी की एक पूरी प्रोफेशन हुआ करती थी जो ये रथ को चला रही थी। तो मेरा ये इसके अंदर एक डायमेंशन ऐड करना होगा कि यही एग्जाम्पल जो मैम ने दिए है रिलीजियस बिलीफ के रूप में, जैनिज्म का एक डायमेंशन हम लोग ऐड करेंगे, सोशल रिलेशंस को ऐड कर देंगे, आर्किटेक्चर के रूप में रथ मेकिंग इज अ प्रोसेस, वो भी हम लोग टेम्पल्स के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें सर एक चीज ये भी ऐड होगी कि इसमें राजाओं के भी स्कल्पचर्स बनते थे। इनफैक्ट विजयनगर के अंदर आपको कृष्णदेव राय और उनकी दो रानियों के ब्रॉन्ज की मूर्तियां मिली है। चोला पीरियड के अंदर मंदिर के अंदर राजा शिवजी के मंदिर बनाता था और शिवजी को डेडिकेटेड स्कल्पचर्स मिलेंगे, पर मंदिर के बाहरी दीवार के ऊपर राजा अपना बेसिकली चेहरा बनाता था। इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये स्कल्पचर के अंदर राजा अपनी सोशली सिग्निफिकेंस दर्शा रहा था। आखिर में कंक्लूजन में ये मैं डालूंगा कि ये स्कल्पचर बेसिकली रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल सिचुएशन और थोड़ी बहुत इकोनॉमिक प्रोफेशंस को दर्शाते हैं। कंक्लूजन में एक ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ कॉमन मैन की जो परिस्थिति थी, द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन मैन्स लाइफ इज एक्चुअली मिसिंग इन दी मिडिवल इंडियन स्कल्पचर्स। ओके सर, तो दिस इज वॉट माई इनपुट विल बी सर। तो जैसे मैम ने बताया उसके साथ ये ऐड कर सकते हैं, और जैसे बखूबी आपने कहा कि इतने सारे एग्जाम्पल है, तो मैं भी लर्नर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप 1000 वर्ड्स पढ़ोगे तो 100 वर्ड्स रिटेन कर पाओगे, 10% का रूल होता है सर, उसके सिवाय हम भी एज अ ह्यूमन हमारी भी लिमिटेशंस आ जाएगी। जी सर, एब्सोल्युटली सर, बहुत गहरी आपने बात करी। अनुज गर्ग सर के पास में
और पॉइंट आने से पहले सबनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि अनुज सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, जरा एकदम जल्दी से सारे पावर पॉइंट की एक रैपिड आप स्लाइड चला दीजिए ताकि लर्नर्स को पता चले कि कितने डिटेल में हमने ये पावर पॉइंट और वो उसको डाउनलोड करेंगे तो उनकी कितनी सारी मेहनत बचती है और सारा उसमें मॉडल आंसर के लेके बहुत सारी चीजें वो उसी में जान सकते हैं। तो मित्रों ये चीज आप कर सकते हैं, फ्री में ही है रजिस्ट्रेशन और वो मतलब डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ऐसे ही इसके बाद के जो सेगमेंट है इंडियन सोसाइटी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसमें भी यही पावर पॉइंट रेडी हो रहे हैं। हालांकि आज ही पेपर था और आज ही सब करना है तो मेरी फायर फाइटिंग चल रही है, तो अभी मैं इस प्रोग्राम को छोड़ के जा रहा हूँ ताकि बाकी के जो दो सेगमेंट करने सोसाइटी और ज्योग्राफी, तो अभी उसका होमवर्क और पावर पॉइंट बनवाना है वो चलाएगा, फिर थोड़ा जो लास्ट में रिजल्ट और फोटोग्राफ ऐड करने होते हैं। तो मैं इसके लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा आरती मैम, प्रतीक सर, अनुज सर को कि सेशन को कैरी फॉरवर्ड करें। और जी अनुज सर हमें बताइए कि ये जो टेम्पल स्कल्पचर को देख के वहाँ की सामाजिक जीवन के बारे में हमको और क्या क्या जानना है, जानने को मिल सकता है। धन्यवाद सर, और आपने और प्रतीक सर ने बिल्कुल एक बहुत ही रेलेवेंट और काफी इम्पोर्टेंट बात बोली सर, कि अगर आप पढ़ोगे 1000 शब्द याद रहेंगे आपको 500 या 200 शब्द और लिख पाओगे आप 100 शब्द, लेकिन जब आप पढ़ोगे ही 100 शब्द तो याद रहेंगे 50 और लिख पाओगे कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जितना ज्यादा आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो उतना ज्यादा आपको ये एग्जाम्पल्स जो इतने सारे दिए प्रतीक सर ने दिए, आरती मैम ने दिए, तो ये कारण ये है कि आपको एक डाइवर्सिटी समझ में आए, क्योंकि आरती मैम और प्रतीक सर ऑलरेडी काफी सारे एंगल्स को बता चुके हैं, तो मैं इस पे ज्यादा आपसे चर्चा ना करते हुए ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप देखिए ये जो दोनों एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ मौजूद है, और सबसे पहले प्रतीक सर और आरती मैम बिग फैन ऑफ योर वर्क एंड इट्स ग्रेट ग्रेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म विथ यू। आई थिंक प्रतीक सर आपके साथ कंसेक्यूटिवली सेकेंड टाइम में कर रहा हूँ, कल भी हमें मिलने का मौका मिला था और इट्स ऑनर, कम्प्लीटली माई ऑनर टू शेयर दिस विद यू सर। तो जैसे प्रतीक सर और आरती मैम दोनों ने ही बताया कि देखिए म्यूजिक की भी बात हुई, जब विजय विठल मंदिर की बात चल रही थी तो म्यूजिक की भी बात हुई, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जो सारे गामा इंडिया का जो म्यूजिक का वो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि सोशल लाइफ को कैसे दर्शाते हैं हमारे टेंपल स्कल्पचर्स जो हैं मिडिवल इंडिया के, वो सोशल लाइफ को कैसे दर्शाते हैं। तो एक सोशल लाइफ में आपने म्यूजिक की बात कर ली, एक सोशल लाइफ में जैसे कि प्रतीक सर ने बोला कि किंग का फेस हुआ करता था, तो मोनार्की अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करती थी, तो मोनार्की अपने आप को हमेशा भगवान के पास रखने का प्रयास करेगी, काफी सारे विजयनगर एम्पायर के जो राजा होते थे वो वीरूपक्ष देवता के नाम पर रूल करा करते थे, तो आज आपको वो हीरोइज्म वाला जो है वो भी आज साउथ में आपको वो कल्ट ऑफ हीरोइज्म देखने को मिलेगा। तो म्यूजिक का एग्जांपल हो गया, मोनार्की का एग्जांपल हो गया, तीसरा फिर आरती मैम ने जैसे कि बताया कि जो रथ यात्रा हुआ करती थी वो उसके पीछे का लॉजिक ये था कि काफी सारे ऐसे जो तथा कथित निम्न वर्ग थे, जो तथा कथित कोट अनकोट लोअर क्लासेस थी, उनको ईश्वर का एक्सेस मिले, तो आपने वहां पे सोसाइटी में लोअर क्लासेस की स्थिति का भी वर्णन कर लिया। फिर जैसे कि प्रतीक सर ने बताया कि वो फैमिली वाला एस्पेक्ट भी था रथ यात्रा के पीछे का, तो यहाँ पे आपने फैमिली वाला भी कवर कर लिया। फिर जैसे कि प्रतीक सर ने एक और बात बताई कि भाई इसको इकोनॉमी से भी जोड़ा जा सकता है, सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे विजयनगर एम्पायर में तो ये बहुत ही हाइट पे हुआ था कि जो टेम्पल्स थे वो केवल रिलीजियस सेंटर नहीं थे, वो तो आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। मंदिर जो है राजा की पावर को ग्लोरीफाई करते हैं। Exactly, और दूसरा ये था कि मंदिर के आजू बाजू में जिस प्रकार के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनते थे वहां लोग रहते थे, दुकानदारें थी, खिलौने के बकार, मतलब जैसे आज के मंदिरों के आजू बाजू में हमको मिलता है वैसी लाइफ आपको मिलती है। तो वहाँ जैसे कुंभकोणम करके एक जगह है, यहाँ तो हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे 150 वर्ड में, पर कुंभकोणम की खासियत ये हुआ करती थी कि इट वॉज अ प्लेस फॉर स्कल्पचर आर्ट, और वो मंदिर के बाहर ही था, ये चोला डायनेस्टी के हुआ करते, और कुंभकोणम की स्कल्पचर्स को वहां की रानी ने पेट्रोनेट दिया था, चोला स्कल्पचर्स को, नटराज की जो मूर्तियां बनती थी ब्रॉन्ज कास्टिंग में, तो वो दर्शाता है कि भाई देखिए कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं स्कल्पचर्स बना के, वहां कारीगरों को रोजगारी देके, तो ये भी पार्ट इसमें आ सकता है। मतलब देर इज इन्फिनिट मटेरियल मेरे हिसाब से इस सवालों को आंसर करने के लिए, पर डायमेंशन हम लोग जितना लिखेंगे रिलीजियंस को ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि टेंपल्स पूछे ऐसा तो नहीं पूछा कि वो एक संप्रदाय के लिए बता दे, तो उससे ज्यादा और थोड़ा सामाजिक मुद्दों के ऊपर हम लोग ज्यादा
पॉइंट करेंगे, सोसाइटी के क्लासेस को लेके, तो ज्यादा डायमेंशंस कवर होंगे सर। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि आपको नॉलेज है, लेकिन यूपीएससी की जो परीक्षा होती है मेंस की, इट इज अबाउट नॉलेज, बट इट इज अबाउट फिगरिंग आउट कि हमें मल्टीपल डिमेंशन ऐड करने हैं। कभी कभी हम सोशल लाइफ को हमने देखा तो हमें ऐसा लगने लगता है कि वो इस पे तो मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं तो म्यूजिक भी लिख सकता हूँ और म्यूजिक के बारे में एक पेज लिख सकता हूँ। तो ऑल्दो जो म्यूजिक वाला पार्ट है वो भी सोशल लाइफ का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा आप डाइवर्सिटी दिखाते हो, आपने सोसाइटी की बात करी, इकोनॉमी की बात करी, मोनार्की की बात करी, फैमिली की बात करी, आपने लोअर क्लासेस की स्थिति की बात कर ली, तो जितनी ज्यादा आप डाइवर्सिटी दिखा पाओगे, जितने ज्यादा आप सोसाइटी के अलग अलग एंगल्स को इसमें दिखा पाओगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे नंबर मिलने की इस तरह के क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी हो जाती है। राइट सर, सर हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर, यस सर, डेफिनेटली। दूसरे क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, अच्छा, भारतीय। लर्नर्स को सर एक बता देते हैं कि हम लोग पहले आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कर रहे हैं। जी तो डियर लर्नर्स, मैं आप लोगों को एक बार ये हाईलाइट कर देता हूं कि हमारे टोटल जो यूपीएससी में इस बार क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न थे, वो टोटल 6 प्रश्न थे। टोटल 6 क्वेश्चन हमारे आए थे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाले पोर्शन से मिला के। इसमें 3 क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर जिसकी अभी हमने बात करी, गुप्ता एंड चोला हेरिटेज, और तीसरा क्वेश्चन था लायन एंड बुल फिगर से रिलेटेड। उसके बाद हमारे जो 3 क्वेश्चन आए बचे हुए वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए थे। तो हमारा ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा कि शुरुआत के 3 प्रश्नों को हम आरती मैम और प्रतीक सर से जानेंगे आर्ट एंड कल्चर में और एनलाइटन होंगे, और बाकी के 3 क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आधारित होंगे। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं जो कि चोला और गुप्ता पीरियड का भारतीय परंपरा और संस्कृति में क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरू करेंगे प्रतीक सर से और फिर आरती मैम से जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। प्रतीक सर, ओवर टू यू सर। जी सर, सो क्वेश्चन यहाँ चोला पीरियड के ऊपर है। ऑलरेडी एक बार पहले भी चोला और गुप्ता के ऊपर क्वेश्चन आ चुका था। एक तो न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट के ऊपर आया था कि भाई गुप्ता के न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स कॉइन की क्यों कंडीशन डिटीरियट हो रही है लेटर पीरियड में, और एक चोला आर्किटेक्चर के ऊपर आया था, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर की हाई वाटर मार्क को दर्शाता है। सर ये सवाल के ऊपर एक बार हम लोग जाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको उसको तोड़ देंगे। तो आपको पूछा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू द हेरिटेज एंड कल्चर, तो भारतीय संस्कृति और विरासत में इनका क्या योगदान है। तो हम लोग गुप्ता को 3-4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि गुप्ता का किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है और चोला का है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जब इसका बनेगा तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू पुट इट डाउन कि भाई चोलास कब होके गए और गुप्तास कब होके गए। तो गुप्तास 320 से लेके 550 से, और चोलास करीबन 10th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक चलेंगे। उसके बाद हम लोग कैटेगराइज कर देंगे कि भाई गुप्ता का क्या इंट्रो कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चर और हेरिटेज के अंदर। अब देखिए सर, संस्कृति और विरासत का सवाल है, धरोहर का सवाल है, तो इसमें हम लोग खाली आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, कॉइन्स और साथों साथ लिटरेचर को भी जरूर से हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं कि कैटेगराइजेशन गुप्ता पीरियड को लेके, तो गुप्ता में एक तो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देख सकते हैं प्रिसाइसली हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे गुप्ता पीरियड के अंदर स्थापत्य के अंदर इन्होंने नगर आर्किटेक्चर की शुरुआत की और टेम्पल्स बनवाए। तो वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ 1 or 2 टेम्पल्स, जैसे इन्होंने नगर टेम्पल के अंदर दशावतार टेम्पल है, भीतरगांव का ब्रिक टेम्पल आपको यहाँ से मिलेगा, कोह का टेम्पल मिल जाता है, नचना कुथार के अंदर शिव पार्वती टेम्पल है। तो उसमें एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग बताएंगे कि शिव जी और विष्णु जी के डेडिकेटेड यहाँ पे मिलेंगे। दूसरे, इनके समय पे टेम्पल्स में भी स्कल्पचर आर्ट बना, मतलब ऑलरेडी ये क्वेश्चन स्कल्पचर के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, पर एंशियंट स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के अंदर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिल जाती है, जो भी डेवलप होती है वो भी एक स्कल्पचर आर्ट की प्रकार के रूप में थी। तो पहला पार्ट हो गया इसी के अंदर से आर्किटेक्चर में। दूसरा पार्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो है गुप्ता पीरियड के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन में, दैट इज विथ रेफरेंस टू द केव आर्किटेक्चर, कि इनके पीरियड में अजंता की और केव्स, बाघ की गुफाएं बनती हैं। इन दोनों के अंदर हमको पेंटिंग्स मिल जाते हैं और उसमें भी स्कल्पचर आर्ट मिलता है, तो वो भी ऐतिहासिक रूप से धरोहर में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा।
गुप्तास के समय पे मेटलर्जी का भी डेवलपमेंट हुआ, मेटलर्जी के रूप में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स का डेवलपमेंट, और गोल्ड के सिक्कों के बारे में एक लाइन हम लोग जरूर से लिखेंगे कि भाई इनके दिनार और रुपयों की क्या खासियत हुआ करती थी। तो एक ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में। ये मेटलर्जी में हम लोग आयरन डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। मेहरौली का आयरन पिलर बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ है, वो जंग रोधक बना हुआ है। इट्स आयरन पिलर विच इज नॉट बींग रस्टेड, सर, है ना। इसके साथ साथ गुप्ताज में फिर लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा मेनली विथ रेफरेंस टू दी लिटरेचर पार्ट, है ना, लिटरेचर एंड साइंस का पार्ट। तो संस्कृत लिटरेचर क्लासिकल पीरियड में चला गया, कालिदास है, अमर सिन्हा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग हरिसेन की प्रायः प्रशस्ति को कोट कर सकते हैं, संस्कृत ड्रामा की हम लोग मेंशन कर सकते हैं, और भारत में ट्रेडिशनल संस्कृत लिटरेचर का सिग्निफिकेंस इसमें हम लोग जरूर से लिखेंगे कि ये पीरियड जो था इसको पुराने हिंदुइज्म के साथ भी जोड़ा गया है। तो धरोहर के रूप में जो आज का परंपरा का या प्रतिष्ठित जो हिंदू धर्म है प्रेजेंट डे, उसका कहीं ना कहीं से ओरिजिन भी आपको गुप्ता पीरियड में मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट लिख देंगे कि भाई इनका साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा एक हेरिटेज रहा है क्योंकि इनके पीरियड में बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए। तो आर्यभट्ट की बेसिकली जो क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, वराहमिहिर की है, चरक हो गए हैं, सुश्रुत हो गए हैं, इनके बारे में एक आध दो पॉइंट्स हम लोग लिख के हम लोग आगे चले जाएंगे। और वही चीज़ चोलाज में भी आएगी, फिर से उसी तौर के ऊपर कैटेगराइज करेंगे। आर्किटेक्चर का पॉइंट है, स्कल्पचर का पॉइंट है चोलाज के अंदर, कल्चरल हेरिटेज के अंदर या ओवरऑल हेरिटेज के अंदर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि तमिल लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट और तमिल लैंग्वेज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी इंक्लूड करेंगे सर, है ना। तो द्रविड आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे, नटराज की स्कल्पचर्स के ऊपर चले जाएंगे, तमिल लिटरेचर की बात कर लेंगे, साथों साथ हम लोग नैनारों की बात बहुत करेंगे क्योंकि चोलाज वो पीरियड था जहाँ नैनार संप्रदाय का ग्रोथ हो रहा है और इसके कारण वो नैनार संप्रदाय अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है चोला टेम्पल्स के ऊपर, सर, है ना। तो एक ये भी पॉइंट इसके अंदर से हम लोग कवर कर सकते हैं और तमिल लिटरेचर का पॉइंट है, सर, है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने फ्रेमवर्क दिया है, बाकी मैम इसके ऊपर और इनपुट देंगे। जी सर, तो जैसा कि आरती मैम अभी हमें सर ने इस बात से एनलाइटन किया कि गुप्त पीरियड में कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करा जा सकता था, आप लर्नर्स को बताइए मैम कि जहां तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है तो चोल पीरियड में आपके क्या पॉइंट्स होंगे? मैम यू आर नॉट ऑडिबल मैम, आप आवाज आ रही है। मोस्टली चोल्स का जो पीरियड है ये पर्टिकुलर पीरियड ऐसा है जो जिस समय में आपको धीरे धीरे करके फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि सर ने बताया भी है, नैनर्स और अल्वर्स जो हैं वो अपने विचार सामने रखते हुए नजर आएंगे, लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु की भक्ति हमें नजर आएगी। ये पर्टिकुलर चीज ही यहाँ पे भी दिखती है हमें, जो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। चोलास का एक कंट्रीब्यूशन जो हमें नजर आता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कैसे राजा जो है वो अपनी मूर्तियों को भी यहाँ पर बना के इसमें रख रहे हैं, तो बृहदेश्वर टेम्पल इज वन ऑफ देम, जिसमें एक चोल जो चोल राजा है, राजा राजा चोल, उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की मूर्ति इसके अंदर रखी है। तो मूर्ति कला में ऑब्वियसली ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स हैं, नटराज के जो स्कल्पचर हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसका इस्तेमाल, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर गोपुराम, जो गोपुराम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो गोपुराम का साइज हम बढ़ता हुआ देखते हैं, हालांकि वो अपने पीक पर बाद में पहुंचता है विजयनगर एम्पायर और बाद में हम पत्थर उसको बढ़ते हुए देखते हैं मीनाक्षी टेम्पल में और भी बड़ा है, लेकिन इस समय में गोपुराम जो है वो भी जरूर आपको आते हुए नजर आएंगे, जो दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजा जो है उसके लिए टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करना काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे गुप्तास के हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, इसमें भी हम स्कल्पचर्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, इसमें भी हम आर्किटेक्चर के ऊपर बात कर सकते हैं, इसमें फिलोसफिकल डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, विच विल लीड टू भक्ति मूवमेंट इन लेटर फेज, और यही जो भक्ति मूवमेंट है इट विल लीड टू इंडियन म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक आपको कार्नेटिक म्यूजिक और आगे चल के इंडियन डांस फॉर्म्स जो डेवलप होंगे वो यहीं से धीरे धीरे करके रिसाव करेंगे भारत के दूसरे हिस्सों में साउथ से होते हुए। तो चोल्स के समय में एक वो चीज हमें नजर आती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स सर ने मोस्टली सारा ही कवर कर दिया है, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ नया ऐड करने की जरूरत है। आई थिंक दीज आर दी ओनली एनेक्डोट्स विच वी नीड टू कवर इन थोड़ा सा एलाबोरेट। सर इसमें एक ये चीज हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, खास करके द्रविड
टेम्पल्स के अंदर, क्योंकि दिस टेम्पल्स वर एक्चुअली द प्लेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड अदर कम्युनिटी वर्क एज वेल. तो इसमें डांस फॉर्म का भी डेवलपमेंट, आपको भरतनाट्यम का जो ओरिजिन है वो भी हमको यहाँ से मिलेगा. ओके, तो वी कैन ऑल्सो एडिट दैट एज वेल. ओके, और अल्टीमेटली आपको पूछा गया कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ही है. ओके, तो हम ये लिखेंगे कि भाई इन्होंने पेट्रोनेस ना दिया होता तो इन सब संप्रदायों का, इन सब स्थापत्य का और अल्टीमेटली ये सब चीजें डेवलप ना होती तो मिडिवल एरा और उसके बाद, क्योंकि क्या हुआ कि मिडिवल एरा तक आते आते भारतीय इतिहास के अंदर काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, कल्चरल हिस्ट्री भी चेंज हो रही है. तो उसमें ये साउथ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटिन्यूइंग ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, है ना. तो कंक्लूजन में ही लिखेंगे कि इनके जो एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे उसके कारण बहुत सारी परंपराएं हमको यहाँ से मिलेगी सर, है ना. तो जो कंटिन्यूइंग ट्रेडिशंस के रूप में मिल जाती है, तो वी कैन गिव 4-5 डायमेंशंस और उसके थ्रू अल्टीमेटली लिखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा सर. बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद. इसमें सर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन इतना सिग्निफिकेंट भी है तो कुछ कुछ टेंपल्स को जैसे यूनेस्को ने, क्योंकि हेरिटेज के बाद पूछा गया है, तो कंक्लूजन में हम लोग हेरिटेज का पॉइंट भी डाल सकते हैं कि जैसे बृहदेश्वर टेंपल है तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डाला हुआ है, या गुप्तास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भारत सरकार ने रिसेंटली कोई रिसेंट कुछ स्टेप लिया है तो वी कैन ऑल्सो put it with reference to that as well. So that will give a cutting edge over the other students as well. मैं यहाँ पे ये भी करता कि मैं एक छोटा सा मैप बना देता stamp size और गुप्तास को ऊपर दिखा के चोलास को नीचे दिखा के कुछ कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेगा. सर बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि अगर आपको अपने आप को मतलब जैसे एक पेपर का सेट है पूरा, एग्जामिनर के सामने काफी मल्टीपल कॉपीज रखी हुई है, तो काफी बार कंटेंट तो लिमिटेड और सेम है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि काफी नया कंटेंट ही आ गया, तो कंटेंट काफी रिडंडेंट लग सकता है. तो ये जो प्रतीक सर ने बताया कि आप मैप बना सकते हो, आप गुप्तास के उनको हाईलाइट कर सकते हो, आप चोलास को उनको हाईलाइट कर सकते हो, ये आपको एक एज देगा. क्योंकि प्रतीक सर और आरती मैम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं काफी कंटेंट ऑलरेडी, तो मैं आपको केवल इसका स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊंगा. कंटेंट आप लोगों को ऑलरेडी प्रतीक सर और आरती मैम ने बता दिया है. देखिए, जब भी आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, और खासकर जितने भी लर्नर्स अभी हमें लाइव देख रहे हैं, इतना डिटेल्ड एनालिसिस सेशन अनअकैडमी आपके लिए लाया है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से. आप लोग एक चीज देखो, ये बार बार क्या कर रहे हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ने और मैम ने लिटरेचर, कॉइन्स, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफिकल, डांस फॉर्म, यूनेस्को सारे एग्जांपल्स दिए आप लोगों को, तो एक वैरायटी लग रही है यहाँ पे. सर जैसे मुझे याद है अभी भी कि जब मैं नोट्स 2.0 पे हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, तो वहां पे एक मुद्दा आया था इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो अब वो इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन में 2 पेज का उन्होंने कॉन्टेंट लिखा, तो मैंने कहा कि ये इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन पे आप 2 पेज के कंटेंट की जगह इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन को सोशल इम्पैक्ट अलग लिखो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट अलग लिखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अलग लिखो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट अलग लिखो, राइट. तो इस तरह से ब्रेक डाउन करके जब आप चीजों को हाईलाइट करते हो, एग्जामिनर को परोसते हो, तो काफी अच्छा रहता है. सर मतलब जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो मैं एक 30 सेकेंड्स फॉर्मूला भी बोलता हूँ लर्नर्स को कि इफ इज योर आंसर कन्विंसिंग इनफ इन 30 सेकेंड्स दैट यू हैव डन अ बैड जॉब और अ गुड जॉब. तो बेसिकली अगर आप वो मैप बना दोगे, आपने हाईलाइट कर दिया लिटरेचर और लिटरेचर की 3 पॉइंट लिख दिए, हाईलाइट कर दिया कॉइन्स को और उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख दिया, आर्किटेक्चर को हाईलाइट करके उससे रिलेटेड पॉइंट लिख दिया, फिलोसॉफी को हाईलाइट करके उससे रिलेटेड पॉइंट लिख दिया, तो मैप और इन पॉइंट्स को हाईलाइट करना एग्जामिनर को बहुत हद तक कन्विंस कर देगा कि यार इसको डाइवर्सिटी तो है नॉलेज की, इसने लगभग सब कुछ कवर किया है. तो ये सारी बातें आप लोग नोट करते चलिएगा लेक्चर को देखते समय. एक्सपर्ट्स के द्वारा जो आप लोगों को पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही आपकी हेल्प करेंगे. सर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ से. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन एंड द बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें. सबसे पहले आरती मैम आप बताइए हमें, लर्नर्स को आप बताइए. तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करेंगे. सबसे पहले आरती मैम आप बताइए बुल फिगर्स का इंडियन माइथोलॉजी में सिग्निफिकेंस, फिर प्रतीक सर से जानेंगे लाइन फिगर का इंडियन माइथोलॉजी में इम्पोर्टेंस. ओवर टू यू आरती मैम. जी सर, ये जो बुल और लाइन है ये पहले तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा खबरों में था, लाइन फिगर जो हमें देखने को मिलता है, अभी नया पार्लियामेंट भी बना है
उसके आगे इंस्टॉल भी किया गया है वो हमारा नेशनल एम्बलम। तो अगर हम बुल की बात करते हैं तो इसको मैं इसी तरह से तोड़ूंगी, हम माइथोलॉजी के में भी देख सकते हैं बुल को, उसके साथ साथ आर्ट और आर्किटेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आर्ट और आर्किटेक्चर जो हमारे इंडिया का है वो बेसिकली इंडियन फिलोसफी से ही इंस्पायर्ड है। जब हम कहते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर या जब हम कहते हैं जैन आर्किटेक्चर, बेसिकली जो फिलोसफी में दिया है उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होके आर्किटेक्चर में वो चीज हमें नजर आती है। तो अगर हम शुरू के फेज की बात करें, सबसे स्टार्टिंग में इन फिलोसफिकल डेवलपमेंट से भी पहले की अगर हम बात करें, तो हमें हमारे इंडियन आर्ट में प्री हिस्टोरिक फेज में भी बुल नजर आता है। मोस्टली जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं वहां पे बाइसन्स हैं या बुल है, इस प्रकार के जानवर जिस समय लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था पेंटिंग्स के थ्रू, वो भी नेचुरल कलर्स की मदद से, तो वो एक सबसे अर्ली फेज माना जा सकता है जिस समय में हम बुल देख सकते हैं आर्ट के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद धीरे से धीरे धीरे करके हम इंडस वैली की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वहां पर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनमें बुल दर्शाया गया है। पिक्चर में हम देख सकते हैं सील को, सील में बुल हमें नजर आ रहा है, बट इसके साथ साथ टेराकोटा के टॉयज के रूप में भी हमें बुल देखने को मिलता है। तो वहां पर भी आर्ट और आर्टिफैक्ट में हमें अगेन बुल नजर आता है आर्ट के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे एंड ऑब्वियसली दिस, ये जो बुल का रिप्रेजेंटेशन है इसको भी हम उस समय की कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस जरूर रहा होगा जिसके वजह से इसको रिपीटेडली यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि बुल जो है नेचर वर्शिप का ही हिस्सा रहा हो, बुल की पूजा की जाती हो और इसी वजह से इसका रिपीटेड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें टेराकोटा के खिलौनों के रूप में या इस प्रकार से सील्स के तौर पर नजर आता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती है। बुल की अगर बात करें तो इसमें तीनों फिलोसफीज जो उस समय में काफी प्रोमिनेंट देखी जा रही थी उसमें एक एक करके अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम बुद्धिज्म की बात कर सकते हैं, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फिलोसफीज ऑफ दैट टाइम। बुल, अगर मैं बुद्धिज्म से अशोक पर आती हूँ तो अशोक का स्तंभ है रामपुरवा में जिसके ऊपर बुल एज कैपिटल दर्शाया गया है। बुल जो है उनको गौतम बुद्ध से भी कनेक्ट किया जाता है, गौतम बुद्ध के फिजिक्स से कनेक्ट किया जाता है कि कैसे 80 साल की उम्र तक वो चलते हुए यहाँ पर अपने जो भी आइडियाज है उनको स्प्रेड करते हुए नजर आते हैं। प्लस बुल बेसिकली स्ट्रेंथ का सिंबल है। दूसरा, बुल जो है उसको इस माइथोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, इस कहानी से कनेक्ट करते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जब वो जन्म हुआ तो जन्म के दौरान हर व्यक्ति को किसी जोडियक साइन से कनेक्ट किया जाता है। तो कहते हैं उनका जन्म ऋषभ राशि में हुआ था, टॉरस उनका जोडियक साइन था। तो कई जगहों पे गौतम बुद्ध को टॉरस या बुल के रूप में भी दर्शाया जाता है, उनके जन्म को सिंबलाइज करने के लिए कभी कभी बुल भी दिखाया जाता है। एलिफेंट भी है, लोटस भी है, लेकिन बुल का रिप्रेजेंटेशन भी हमें बहुत देखने को मिलेगा। तो बुद्धिज्म में बुल की थोड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नजर आ रही है, अशोक के स्तंभ में भी नजर आ रहे हैं, और इवन अगर हमारा सारनाथ का जो लायन कैपिटल है उसमें भी अबाकस वाले पार्ट में वी कैन सी बुल। यही जब हम जैनिज्म की बात करते हैं वहां अगेन अगेन यहाँ पे फिलोसफिकल कनेक्शन है इसका, क्योंकि जैन तीर्थंकर जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर है वो है आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभदेव भी कहते हैं, उनका भी सिंबल बुल ही है। उनको भी कई जगहों पे आर्ट आर्किटेक्चर में अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो बुल के रूप में किया गया है। यहाँ भी अगेन बुल हमें नजर आ रहा है। इसके बाद हम थोड़ा अगर आगे बढ़े, अगर हम गुप्तास के टाइम में चले जाते हैं तो गुप्तास के समय में यू विल फाइंड टेम्पल आर्किटेक्चर काफी पॉपुलर हुआ, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली। और वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें देखने को मिलता है, गर्भगृह। गर्भगृह के आगे अंतराल पोर्शन, उसके आगे फिर हम मंडप देखते हैं। मंडप में वाहन होते हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कि अलग अलग गॉड्स हिंदू हिंदुइज्म में अलग अलग डेटीज जो है उनके वाहन है, और गुप्ता के समय से ही लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव की पॉपुलैरिटी हम बढ़ती हुई देखते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिव के जो वाहन है जिन्हें नंदी कहा जाता है, तो नंदी के रूप में अगेन आप बुल देखेंगे वाहन के रूप में मंडप वाले पोर्शन में टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो बुल है वो माइथोलॉजी में नजर आ रहा है, और क्योंकि माइथोलॉजी और फिलोसफी में नजर आ रहा है इसी वजह से वो आर्ट और आर्किटेक्चर में भी नजर आ रहा है। तो ऐसे करके इस आंसर को
अगेन जैसे कैसे तोड़ सकते हैं, बुल का रिप्रेजेंटेशन शुरू से ही प्री हिस्टोरिक फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म में इसका रिप्रेजेंटेशन जैनिज्म में कहाँ नजर आ रहा है, हिंदुज्म में कहाँ हमें इसको देखने को मिलता है वो डाल सकते हैं, और उसके बाद सेम लाइन जो है उसके बारे में, लाइन तो और एलोबरेट हमें नजर आता है। सर प्रतीक सर आप लाइन के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, थैंक यू मैम। जैसे कि दोस्तों मैम ने बताया कि लायन बुल को कैसे क्रोनोलॉजिकली आप जोड़ पाते हो, वही मैं लायन के साथ करूंगा। और लायन को भी हम लोग क्रोनोलॉजिकली जोड़ सकते हैं। लायन का डिपिक्शन अगर आप समझने की कोशिश करिए, हम लोग तीन चार आर्ट फॉर्म के अंदर देखेंगे। अब देखो, सवाल आपको पूछा है कि कौन से आर्ट में दिखा है, उसकी माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको इनडायरेक्टली पूछी गई है, और अल्टीमेटली आर्किटेक्चर में, तो तीन जगह पे आपको बताना है। ओके, हम लोग आर्ट के अंदर जब बात करेंगे और आर्किटेक्चर में बात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आप क्रोनोलॉजिकली आइडेंटिफाई करने की शुरुआत कर सकते हैं, प्रिसाइसली विथ रेफरेंस टू, से फॉर एग्जाम्पल आप बुद्धिज्म में देखेंगे सर, है ना, सबसे पहले चलो शुरू कर देते हैं। तो इन बुद्धिज्म वी विल सी दैट बुद्धा इज सीन इन द फॉर्म ऑफ अ लायन। एक्चुअली बुद्धा की मदर को शेर का सपना आया था, बुद्धा को भी शेर के रूप में कंसिडर किया गया, उनको टाइटल मिला है शाक्य सी, मतलब शाक्य कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज ही बिलोंग टू द शाक्य कम्युनिटी, तो उनको शेर कहा गया है सर, है ना, बाघ के रूप में कंसिडर किया, शेर के रूप में कंसिडर किया गया है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि बुद्धा के साथ साथ जब उन्होंने पहली अपनी सरमन दी, तो बुद्धा की पहली सरमन उन्होंने सारनाथ के अंदर दी और चारों दिशाओं में दहाड़ मारी थी, द फर्स्ट सरमन दैट वॉज गिवन एट दी दी सारनाथ। और इसके कारण वहां पे ही सारनाथ के अंदर ही हमको पता चलता है कि चार लायन वाला कैपिटल मिलता है इंडियन आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म के अंदर। तो अशोक ने जो आर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, खास करके पिलर आर्किटेक्चर के अंदर, उसमें आपको लायन का बहुत सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात, हमको बुद्धिज्म के साथ साथ आपको महावीर के पर्सपेक्टिव से भी मिलेगी। इनफैक्ट महावीर इज ऑल्सो सीन इन द फॉर्म ऑफ अ लायन। ओके, उनको भी इस तरह से लायन के रूप में कंसिडर किया गया इन मेनी ऑफ द जैन लिटरेचर। तो व्हेन वी सी दैट डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, अलग अलग हमको देवी देवता, तो बुद्धिज्म का पॉइंट आ गया। दूसरा बात, अगर आप समझने की कोशिश करोगे हिंदुइज्म के अंदर, तो जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ आया था विष्णु जी का, आपको नरसी अवतार देखने को मिलता है, तो वी कैन सी द इमेज ऑफ विष्णु जी इन द फॉर्म ऑफ नर एंड सिंह। नर का मतलब है ह्यूमन बॉडी है, सिंह का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे शेर, बेसिकली जो लायन है उसकी आपको इमेज दिखाई गई है सर, ठीक है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक आपको इमेजेस देखने को मिलेगी इंडियन आर्ट फॉर्म के अंदर। दूसरी बात, हमको ये भी देखने को मिल रही है कि दुर्गा जी, जो दुर्गा माता है हमारी, गॉडेस है सर, उनका भी आपको वाहन के रूप में लायन देखने को मिलता है। तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि लायन बींग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म है। तीसरा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, मिडिवल इंडिया के अंदर क्वीन थी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी के लिए भी कहा गया है कि राय गज केसरी, तो शी हैड डिफिटेड हैड द एनिमीज लाइक एन एलिफेंट, बिकॉज वो गज केसरी के रूप में उनको कहा गया है कि वो शेरनी की तरह थी, वो शी वॉज लाइक अ लायन सर, ठीक है। तो इस तरह के आपको एपिथेट्स देखने को मिलेंगे आर्ट फॉर्म के अंदर। आप जरूर से ये ध्यान में रखेंगे कि इवन राजा जो सिक्के पब्लिश करवाते थे, क्योंकि आर्ट पूछा गया है, माइथोलॉजी आपने लिखा है, आर्किटेक्चर लिखा है, आर्ट की बात कर देते हैं, तो कॉइन्स के अंदर जरूर से याद रखना है, कॉइन्स में बहुत सारे किंगडम्स की रॉयल एम्बलम, उनका लोगो हुआ करता था लायन के रूप में सर, ठीक है। बोले राजा तो कैसा होना चाहिए, शेर की तरह होना चाहिए। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि आपको सातवाहन डायनेस्टी के कॉइन्स के अंदर आपको शेर के एम्बलम्स देखने को मिलेंगे। समुद्रगुप्त करके एक राजा हुआ करता था एंशिएंट इंडिया के अंदर, वो व्याघ्र पराक्रम, और यू विल फाइंड कि लायन को किल कर रहा है, वैसे कॉइन्स इश्यू करवा रहा है, ही सेइंग दैट आई एम द लायन स्लेयर, मैं शेरों का शिकार कर रहा हूं सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको पता चल रहा है कि आर्ट फॉर्म के अंदर राजा अपने आप को रजनीकांत से भी ज्यादा पावरफुल मानता है, तो द किंग इज लाइक नो आई एम किलिंग अ लायन, मैं और शक्तिशाली हूं सर, ठीक है। तो ऐसे भी आपको कॉइन्स मिलते, तो यू आर ऑल्सो सपोज टू हाईलाइट द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म्स एज वेल, वेयर द किंग इज ट्राइंग टू लेजिटिमाइज हिज रूल बाय शोइंग वेरी बट पावरफुल एंड ओवर पावरिंग अ लायन एज वेल। लास्ट पॉइंट के अंदर हम लोग जरूर से लिखेंगे कि कटिंग अक्रॉस लिटरेचर द टाइटल्स वर टेकन इन द फॉर्म ऑफ द सिंह एज वेल सर, ठीक है। तो बहुत सारे राजाओं के अंदर हमको ये पता चलता है कि शेर के टाइटल या सिंह के टाइटल लिए जाते हैं, क्योंकि अपने आप को लायन की तरह ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, एक से ज्यादा माइथोलॉजी में गॉड्स एंड गॉडेसेस हो गए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म के अंदर, आर्ट फॉर्म के अंदर कॉइन्स के बारे में हमने बता दिया, लिटरेचर के बारे में बता दिया। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी,
पर मराठास के अंदर खाली राजा अकेला ही था, मतलब छत्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, जो खाली दाढ़ी और मूछे और बाल लंबे रखते थे। उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि राजा शेर की तरह होता है। मंत्री खाली मूछे रखा करते थे क्योंकि आइडेंटिफाई करना चाहिए कि राजा कैसा दिखना चाहिए, एकदम यू विल फाइंड की गज केसरी दिखना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस की राजा की दाढ़ी मूछे हुआ करती थी इस तरह से। खैर, तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो भी था, पर ये तो कभी मॉडर्न पीरियड के साथ जोड़ा गया है। बट वेरी इफेक्टिवली एक्सप्लेन्ड मैम ने जैसे एग्जाम्पल्स दिए, और एक पॉइंट यहाँ पे लाइन का आप ऐड कर सकते हो सर। जी यस सर, सर, इवन इवन एक क्योंकि माइथोलॉजी की बात हो रही है, तो मोस्टली अगर हम थोड़ा महाराष्ट्र के आसपास थोड़ा आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, जो इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर था, उसमें ना हमें गॉर्बल्स मिलते हैं जो कि इविल स्पिरिट्स को भगाते हैं, वैसे ही इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें याली भी देखने को मिलता है, जो वैसे पूरी तरह से शेर की, उसका जो फेस है वो शेर शेर का होता है। गॉर्बल्स गॉर्बल्स मोस्टली ये होती हैं जो बुरी वाइब्स होती है उसको मंदिर से दूर रखते हैं, और जो मंदिर में विजिट करने लोग आते थे उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये एग्जांपल है जो माइथोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, और बिलीफ है ये कि जहाँ पे याली होगा वहां पे सब सेफ रहेंगे। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। और सर, इसमें राजाओं के नाम भी हम लोग, मतलब जैसे समुद्रगुप्त का नाम मैंने बताया है, अशोक आप पिलर आर्किटेक्चर में, पिलर कैपिटल में रामपुर्व है, चंपारण का है, सांची का है, या सारनाथ का है। इनफैक्ट कनिष्क ने भी लायन की इमेजेस को एस्टैब्लिश किया था अपनी सेंचुरीज में। तो उसका एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है रबाता का इंस्क्रिप्शन, जहाँ कनिष्क कह रहा है कि मेरे लिए एक सेंचुरी बनाओ, वहां मेरी मूर्ति लगाओ, बाजू में शेर की मूर्ति लगाना, मतलब लगना चाहिए कि भाई मैं राजा के रूप में शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इसका सिग्निफिकेंस पूछा है माइथोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मैसेज कार्वर कर सकते हो, पर डायमेंशन सबको लिखने हैं। मैम ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने दिए हैं सर, इस तरह से अब कंक्लूजन में क्या करेंगे सर? तो सर, सबसे पहले तो आपने एक पॉइंट बोला, राजा को होना चाहिए शेर की तरह। उसमें मैं ऐड करूंगा कि शेर को होना चाहिए हमारे प्रतीक सर की तरह। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप लोगों ने एक्सप्लेन किया सर। समय के अभाव में, क्योंकि हमारे पास 3 क्वेश्चंस होने, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, लेकिन आपने बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट बताए। और मतलब सर, एक बात आप लोगों के साथ चर्चा करके मुझे जो लग रहा है, ये लग रहा है कि मतलब कभी है ना, हम पढ़ाई को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाए। कितने रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों को शरण मैम ने दिए, मतलब मेंस उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। इस बार अगर आप यूपीएससी के मेंस के पेपर के पैटर्न को देखोगे सर, मेरी भी जहां तक समझ है, जीएस पेपर 1 ऐसा चारों पेपर में पोर्शन होता है जहां से स्टेटिक कॉन्टेंट ज्यादा हो जाता है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यदि आपने मजबूती हासिल कर ली है, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया है, तो बहुत हद तक आपका काम हो जाता है। तो इस बार भी काफी हद तक सर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी सरप्राइज हो गए, जहां तक हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की बात है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गए। अगर मतलब आप एक सीरियस यूपीएससी लर्नर हो, उसके बावजूद भी आप अपने आपके मन में एक शंका है जो ये क्वेश्चंस है उनके प्रति, तो आपको फिर वहां से आपकी पढ़ाई को बेहतर करना होगा। और डेफिनेटली यू कैन एक्सेस द कोर्सेज एट अनअकैडमी, जो हमारे टॉप एजुकेटर के कोर्सेज होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आके। आप देख पा रहे होगे कि कितनी सरलता के साथ आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी कर सकते हो। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट पे चलेंगे सर। एक बार आरती मैम और प्रतीक सर आप बोलिए, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी सर, तो आरती मैम, ओवर टू यू मैम। ओके, तो हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आर्मी से जुड़ा हुआ। आर्मी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है, अंग्रेजों ने जो अपना फैलाव किया था भारत में उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। उसी से एक प्रश्न है, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द देन इंडियन रूलर्स? गिव रीजन। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन पे पहले कुछ इनपुट्स लेते हैं प्रतीक सर के,
और उसके मैम बाद अनुज सर हाँ ठीक है सर, अनुज सर आप शुरुआत कीजिए, आप काफी देर से शांत बैठे हैं तो इस बार आप पहले इनपुट दीजिए, उसके बाद प्रतीक सर पे बढ़ता हूँ। चल, तो मैम सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो मिड 18th सेंचुरी इंडिया है उससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि किस तरह से मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से ग्रस्त था, उसका इंग्लिश वर्जन पीपीटी पे लिखा हुआ है। और एक बार मिड 18th सेंचुरी से ही संबंधित क्वेश्चन आया था, व्हाई डिड द एम्पायर शेकिंग बैटल्स व्हाई वर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फोट एट पानीपत, 1761 के पानीपत के तीसरे बैटल से रिलेट करके, कि इतनी ज्यादा साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां क्यों लड़ी गई थी। जहां तक मैम इस क्वेश्चन की बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी और भारतीय राजाओं की जो सेना थी, जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, तो मैम जैसे विलियम डेरेम्फल नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने आई थिंक 2020 में किताब लिखी थी अपनी, और उस किताब का नाम था विलियम डेरेम्फल, मतलब बहुत जाने माने लेखक हैं इतिहास के ऊपर, उन्होंने काफी काम किया है। उन्होंने द एनार्की नाम की किताब लिखी थी, और उस द एनार्की नाम की किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई थी। 1800 तक आते आते, 1800 तक आते आते, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो सेना थी, एक कंपनी की जो सेना थी, वो 2 लाख सोल्जर्स की सेना थी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन जो एक देश था उसके पास 1 लाख सोल्जर्स की सेना है। मतलब एक कंपनी जो भारत को मतलब चला रही है उसके पास 2 लाख लोगों की सेना है, और एक देश के पास उतनी सेना नहीं है जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गई थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात रही कि भारत के लोगों को ही उन्होंने शामिल करके अपनी पूरी सेना तैयार करी। लेकिन जैसा कि मैम इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना होगा कि ब्रिटिश ने कैसे ब्रिटिश आर्मी ने कैसे ओवरटेक कर लिया जहां तक इंडियन किंग्स की सेना की बात है, तो हम यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मुद्दों को बता सकते हैं। और स्टार्ट तो मैम हम 1757 से ही कर सकते हैं। आई थिंक जो सबसे पहला सर पहली चीज जो काम करी ब्रिटिश के लिए वो थी स्ट्रेटेजी और लीडरशिप, क्योंकि आप देखो बैटल ऑफ प्लासी जो था सर, प्रतीक सर आप भी उसमें पॉइंट ऐड करिएगा, इसको डिस्कशन काइंड में भी रख सकते हैं सर, जिसे सर स्ट्रेटेजी और लीडरशिप सर, मतलब के एम पन्नीकर नाम के एक इतिहासकार हैं, वो के एम पन्नीकर नाम के इतिहासकार बोलते हैं कि प्लासी का युद्ध तो युद्ध मैदान में जाने से पहले ही उसका निर्णय हो चुका था कि जीतेगा कौन, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, उसको पहले ही ब्रिटिश ने अपनी टीम में मिला लिया था, और काफी सारे ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स थे जिसको ब्रिटिश ने अपनी टीम में पहले मिला लिया था। तो युद्ध का परिणाम तो प्लासी का 23 जून 1757 को जब वो युद्ध लड़ा गया उससे पहले ही तय हो चुका था कि भारत के पक्ष में वो युद्ध नहीं रहेगा, सिराजुद्दौला के पक्ष में वो युद्ध नहीं रहेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, आउट नंबर कर गई भारतीय सेना को, तो ये हमें ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है। फिर आगे चल के उन्होंने दूसरे भी युद्ध लड़े, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो उन्होंने इस तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस थी। अब कहने को सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत वो सेना भारतीय राजा की है, कहने को सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत वो सेना भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सपोर्ट दे रहे हैं, और भारत के राजा उसका पूरा पेमेंट भी कर रहे हैं उस सेना के पूरे रखरखाव और खर्चे के लिए। लेकिन जहां तक लॉयल्टी की बात करोगे, रेसिडेंट नाम का भी एक पद हुआ करता था वहीं पे किसी भी राजा के साम्राज्य में, उसके थ्रू वो आर्मी की पूरी लॉयल्टी रखने को अपने पक्ष में इंश्योर करा करते थे। फिर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लिखा जा सकता है सुपीरियर आर्म्स एंड अम्युनिशन, कि किस तरह से ब्रिटिश ने, जैसे 1857 की क्रांति में आप बात करोगे पराक्रम की बात करोगे इमोशन की बात करोगे, कार्ल मार्क्स ने तो 1853 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भारत में 4 साल के अंदर एक सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति आने वाली है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो 4 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा है 1853 के न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कि भारत में क्रांति आने वाली है, तो आप देखो कितना इमोशनल साइड रहा होगा, मतलब ब्रिटिश ने कितना सब कुछ एकदम डिसमेंटल कर दिया होगा, ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी के पूरे फ्रेमवर्क को डिसमेंटल कर दिया था। तो उसके बावजूद भी ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपनी आर्मी की सुपेरियोरिटी की वजह से, सुपीरियर आर्म्स और अम्युनिशंस की वजह से जीत जाते। एक और कारण, उनकी आर्मी भारतीय राजाओं की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है, उसका कारण निकल के आता है कि भारतीय राजाओं के बीच में भी आपस में युद्ध चलता रहा। खासकर सर ये जो एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वार वाला पूरा एपिसोड रहता है,
इसमें तो सर बड़ा क्लोज देखने को मिलता है, जैसे कि बाद में जब थर्ड बैटल ऑफ आपका मैसूर हुआ और फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर हुआ, तो मराठाओं को भी टेरिटरीज दी गई थी जो मैसूर से उन्होंने जीती थी, तो एक आपस में जो फ्रिक्शन था, आपस में जो एक वो था, वो भी एक कारण निकल के आता है। प्रतीक सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के कुछ पॉइंट सर इस क्वेश्चन में आप बताइएगा सर। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ब्रिटिश की जो पर्सपेक्टिव थी, इसमें हम लोग सर दो पार्ट में क्वेश्चन को, मतलब एक एक डायमेंशन ये भी आ सकता है क्योंकि यहाँ एक फिक्स पैटर्न में तो क्वेश्चन लिखने नहीं होते हैं, तो इसको हम लोग एक रीओरियंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि व्हाई डिड द बेटर इक्विप आर्मीज ऑफ द इंडियन किंग्स, और व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी हु वाज एक्चुअली मिनिमम इन नंबर उसकी आर्मी लॉ वॉन अगेंस्ट द बेटर इक्विप आर्मीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी की क्या पॉजिटिव थी वो लिखेंगे और हमारे राजाओं की नेगेटिव पार्ट थी वो लिखेंगे। ओके और इसमें मेनली हम लोग आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में ज्यादा फोकस करेंगे, बट आम जैसे किसी जनरल साहब ने कहा है कि द बैटल्स आर नॉट फॉट ऑन द वॉर और ऑन द ग्राउंड बट दे आर एक्चुअली डिसाइडेड ऑन द टेबल सर। ठीक है, तो यहाँ कंपनी की पर्सपेक्टिव से भी हमको ये देखना पड़ेगा कि खाली और खाली युद्ध करके इन्होंने जीता नहीं है, इन्होंने डिप्लोमेसी के टेबल के ऊपर भी यहाँ पे अपना गेम किया है सर। ठीक है, तो इसमें कंपनी का पर्सपेक्टिव, जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि बहुत अच्छी लीडरशिप थी इनकी, ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की पॉलिसी में एक चीज बहुत देखने को मिलेगी कि इन्होंने बाहर से अच्छे अच्छे चुनांदे मेरिटोरियस ऑफिसर्स को लेके आए, पर नंबर्स में जो संख्या बल बढ़ाना था उसमें भारतीय सैनिकों का रिक्रूट किया। ये रिक्रूटमेंट में मार्शल क्लासेस का रिक्रूटमेंट, खास करके ऐसे ऐसे कम्युनिटीज के अंदर जहां इन्होंने देखा कि ये योद्धा करने वाली कौम है, जिनसे मार खाया उनको ही रिक्रूट किया, सिखों से मार खाया सिखों को रिक्रूट किया, पठानों से मार खाया पठानों को रिक्रूट किया, गुरखा से मार खाया गुरखाओं को रिक्रूट किया, नगा से मार खाया नगाओं को रिक्रूट किया। बट अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मार खाया है इनसे हमने, ये लड़ने वाली कौम है, इनको हम लोग कहीं और यूज करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये मिलेगी कि ये सबके सब सोल्जर्स क्यों ज्वाइन कर रहे थे। सवाल ये आता है कि ये कम्युनिटीज के लोग, क्योंकि देर वॉज लैक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इनके बीच में, जो यूनिटी होनी चाहिए, काइंड ऑफ एक राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए कि भाई इरिस्पेक्टिव हम कोई भी राजा के अंदर कोई भी रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा था। और कंपनी इनिशियली पे अच्छा कर देती थी, इनफैक्ट इंडियन सोल्जर्स को बाद में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ता है 1820s के बाद, बट अर्ली पार्ट जब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे तो पेमेंट की पर्सपेक्टिव आपको मिलेगी, मर्सनरी के रूप में हमारे सैनिक काम कर रहे थे। तो इनिशियल पीरियड के समय पे उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल वेटेज भी मिल गई। राज के लिए रिप्रेजेंट करना, मतलब जैसे आपने अनार्की के अंदर जो बताया है, मैं उसी को ही अभी बच्चों को भी दिखा रहा था कि डेरियम्पल बताते हैं कि राज को रिप्रेजेंट करना सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी ग्लोरियस बात थी कि वी रिप्रेजेंट द ब्रिटिश राज, हम तो ये दिमाग में डाल दिया गया था। उससे वो मोटिवेशन आ रहा था, सैनिकों को ये नहीं लग रहा था कि हम हमारे ही भाजी को मार रहे हैं, हमारे ही राजाओं को मार रहे हैं। वो तो 1857 में पता चला कि हम लोग को परेशान कर दिया गया है। तो एक तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव आ गया, उनका फायदा, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डिसिप्लिन, उनके मॉडर्न वेपन्स, बहुत सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। और इंडियन राजाओं की कौन से लिख देंगे कि वॉट वर द प्रॉब्लम दैट वर फेस्ड बाय द इंडियन किंग्स, तो इंडियन किंग्स के अंदर हम लोग ये जरूर से लिखेंगे कि भाई इनके बीच में यूनिटी नहीं थी, ये लोग सेना मजबूती से रखते थे पर इनके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं था। सर क्वेश्चन के अंदर जो सवाल पूछा है कि बेटर इक्विप्ड है, इंडिया के राजा बेटर इक्विप नहीं थे, दो ही सेना थी जो बेटर इक्विप हुआ करती थी। एक तो थी मैसूर की सेना टीपू सुल्तान, और दूसरे थे महाराजा रंजीत सिंह। टीपू सुल्तान को छल कपट करके मार दिया गया, महागठबंधन करके जहां मराठा और निजाम को साथ में लाया जाता है क्योंकि उसने फ्रेंच को लेके अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया था। दूसरे थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी अकाल रूप से, मतलब मैं तो कहूंगा नेचुरल डेथ थी 1839 में, उसके बाद उन्होंने जीता है। तो हम ये लिखेंगे कि भाई देखिए इंडियन सोल्जर्स और द इंडियन किंग्स वर नॉट बेटर इक्विप्ड, ऑनेस्टली रियलिटी ये थी कि हमारे शासक इतने इक्विप्ड नहीं थे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे लॉस्ट। ओके, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाए, इन फाइटिंग करते रहे, एक दूसरे के टांग खींचते रहे, आर्मी को जिस तरह से ट्रेन करना चाहिए, डिसिप्लिन में लाना चाहिए, वो नहीं किया। सामने ब्रिटिश तो देखिए सर, 10,000 सैनिक लेके मेजर हॉक्टर मुनरो बक्सर की लड़ाई में कूद पड़ा है, सामने तीन तीन राजाओं की बड़ी सेना है, 1,00,000 से बड़ी, सबको खैदान मैदान करके काट दिया गया। 10,000 में से भी 3,000 सैनिक तो डिफेक्ट करके चले गए थे बक्सर की लड़ाई में, 22 अक्टूबर 1764 के दिन। 3,000 की एक पूरी की पूरी रेजिमेंट थी, एक पूरी यूनिट थी जो डिफेक्ट करके कंपनी की तरफ से लड़ने वाली थी इंडियन सोल्जर्स की, वो भाग गई थी राजाओं की तरफ, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की तरफ। उसके बावजूद भी ये लोग जीत गए सर। तो कंपनी को इस बात के लिए दाद देना पड़ेगा, उन्होंने भारतीय सैनिकों की जितनी लिमिटेड स्ट्रेंथ थी उसकी मदद से अपने आप को जो रीऑर्गेनाइज किया। और हमारे शासकों की गलती थी, इनवर्ड लुकिंग थे हम लोग,
हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, जो कर रहा था उसको भी इन्होंने कैसे भी करके डिफीट किया। तो दो पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, इंटरनल रीजंस एंड एक्सटर्नल सुपीरियरिटी। जो है वो है लीडरशिप के अंदर, आयरीकूट का नाम लिख सकते हो, मेजर आयरीकूट जिसने टीपू को डिफीट किया था, जिसने मराठास के साथ लड़ाई किया था, स्टिंगर लॉरेंस का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे आपको केसेस दिखेंगे, चार्ल्स नेपियर का एग्जाम्पल लिख सकते हो, सिंध के अंदर लड़ाई करके जाता है सर, तो वी वी गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स बिहाइंड दैट एज वेल सर। जी सर, टोटली एग्री। मतलब अगर इस तरह से आप डिमेंशन करके और ब्रेक करके देखोगे, क्योंकि वही अल्टीमेटली सर आपको बेटर प्रेजेंट तो करना होगा, और जितना आप बेटर प्रेजेंट करोगे यस, उतना ही ज्यादा नंबर मिलने और के चांस। इसमें कंबाइंड विथ ईस्ट इंडिया कंपनी की डिप्लोमेसी जो सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू आई, जो डर का माहौल क्रिएट किया गया कंबाइंड विथ द मिलिट्री स्किल्स, तो फिर कोई सवाल ही नहीं था कि दे वर नॉट एबल टू ओवरपावर अस। ओके जी जी सर, इवन सर कॉमन गोल भी नजर नहीं आता ना इंडियन रूलर्स की तरफ से, उनके बेनिफिट्स के लिए फाइट करते हुए नजर आते हैं। चलिए सर, आई थिंक इससे जुड़े हुए मैक्सिमम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप दोनों ने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स लर्नर्स के साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फेमाइंस जो कॉलोनियल इंडिया में आए हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, Why was there a sudden spurt in femines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons. औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताइए। ये जो प्रश्न है, अब प्रतीक सर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अनुज सर की तरफ से इसमें पॉइंट्स एडिशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ। जी मैम, इसमें तो देखो दो चीज़ें हैं। फेमाइन तो पहले क्या है वो डिफाइन कर देंगे हम लोग। इसके पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के ऊपर से एक दो बार सवाल आ चुका है कि कैसे भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया गया, डीपीजेंटाइजेशन और रूरल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई। तो फेमाइन को डिफाइन कर देंगे कि फेमाइन वॉज एन आउटकम, और फेमाइन इज डिफाइंड एज अ कंडीशन वेयर फूड एंड वाटर क्राइसिस टेक प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड दिस वॉज एन आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज विच वर डिलिबरेट। दिस स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1750s एंड 1770s, वंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द कंपनी टुक पावर ऑफ बंगाल एंड इट कंटिन्यूड अप टिल 1943-44, अप टिल द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। इन दिस पीरियड करीबन 3-4 करोड़ लोग मारे गए, और इसके पीछे हम लोग कारण देंगे कि वॉट वर द रीजन्स, क्योंकि रीजन्स ही पूछे सीधा सीधा जंप कर देंगे। तो रीजन्स के अंदर एक तो ब्रिटिश की सबसे बड़ी फैक्टर हुआ करती थी, वो थी मैनमेड फेमाइंस का एक कारण था। ब्रिटिश ने कैश क्रॉप्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया, भारत के फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये पूरी की पूरी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, जो भारत के अंदर कॉलोनियल सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू भारत के अंदर की जो ट्रेडिशनल खेती थी उन्होंने तोड़ दी, और भारत के लोगों को कहा कि गेहूं मत उगाओ, अनाज मत उगाओ, चोखा मत उगाओ, सब्जी मत उगाओ, तुम जूट उगाओ, तुम इंडिगो उगाओ, अरे सुबह उठ के क्या खाएगा, बोले आज खाने में क्या बने, बोले टोबैको फ्राई, बोले शाम को क्या बना, कॉटन टिक्का मसाला, कल क्या बनेगा, बोले इंडिगो मसाला, मतलब ये तो कोई खाने की चीज होती है। इन परिस्थिति में जब भारत की खेती पूर्ण रूप से रेनफेड एग्रीकल्चर में थी, जहां हम लोग खाली और खाली बारिश आधारित खेती कर रहे थे, जिस दिन यहाँ पे मॉनसून फेलियर होता था उस दिन यहाँ पे अकाल आना निश्चित था, एंड दिस वॉज एन आउटकम ऑफ द ब्रिटिश फेमाइन पॉलिसीज, ये उसके कारण हो रहा है। रिकरिंग फेमाइंस क्यों हो रहे थे 1770 से लेकर 1943 के बीच में, नहीं नहीं करके 12 बार फेमाइंस आए, उससे भी ज्यादा है, रिकॉर्डेड 12 टाइम्स आपको यहां से मिलेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां से ये भी लिख सकेंगे कि इसके पीछे ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, इरिगेशन का डेवलपमेंट ना करना। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, रेलवेज को रोडवेज को डेवलप किया गया, और अल्टीमेटली काम क्या किया गया, इन्होंने डिसाइड ये किया कि भाई हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो खाना है वो अपनी आर्मी को देंगे, अपने राजाओं को देंगे, अपने गवर्नर्स को भेजेंगे। तो भारत के अंदर 1943 में वर्ल्ड वॉर के समय पे क्या होता है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल फाइंड कि ब्रिटिश के कार्यकाल में आपको यही चीज मिलेगी सर, है ना। तो खाना पूरी दूसरी जगह के ऊपर इन्होंने सप्लाई कर दिया। भारत के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हुआ नहीं, जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज नहीं उतनी बढ़ के आई कि लोग कुछ और कामकाज करके भी थोड़ा बहुत कर पाए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आखिर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि 1770 से लेकर 1943 के बीच में एक रिकरिंग फेमाइन का एक केस बनता है। अंग्रेजों ने दो तीन कमीशन भी बनाए हैं, स्ट्रेची कमीशन है, लैल कमीशन है, मैकडोनल्ड कमीशन है, कुछ नहीं काम हुआ। कर्जन जैसे गवर्नर्स ने यहाँ पे पूसा नाम की जगह के अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी, वो भी कुछ नहीं काम कर पाई। तो ब्रिटिश एक डेलिबरेट पर्सपेक्टिव से लाता है, तो हमको इसमें मैनमेड रीजंस बिहाइंड फेमाइंस लिखेंगे, नेचुरल रीजंस नहीं लिखेंगे। और दूसरा पार्ट हम लोग ये भी लिखेंगे कि इट वॉज अ डेलिबरेट इफेक्ट। इनफैक्ट चर्चिल को तो बचर ऑफ बंगाल कहा गया है,
40 लाख लोग जब बंगाल के अंदर मारे गए वर्ल्ड वॉर टू के समय पे, इज कॉल्ड एज द बचर ऑफ बंगाल. क्यों? क्योंकि उसकी डेलिबरेट पॉलिसीज के कारण हो रहा है. तो ये कंडीशन लिखेंगे और कंक्लूजन में हम लोग ये भी डालेंगे कि आजादी के बाद भारत एक फूड सस्टेनेबल, ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में जिस तरह से कर रहा था वो तोड़ दिया गया और हमको खाना भी इम्पोर्ट करना पड़ा थैंक्स टू दिस कॉलोनियल इकोनॉमी. तो फमाइंस आर सपोज टू बी लिंक्ड अप विद द कॉलोनाइजेशन, ये हमारा क्रक्स पार्ट होना चाहिए मैम. बाकी सर इसके अंदर इनपुट देंगे सर. नहीं सर, वेरी 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 रेलेवेंट पॉइंट्स एडेड बाय यू. आई थिंक वो पूरा कवरेज आप बता चुके हो. और सर मुझे लगता है कि जैसे ब्रिटिश पीरियड में, बिल्कुल सर ने सही बात बोली, जो जितने भी फेमिन्स रहे थे ब्रिटिश पीरियड में वो क्या थे, मतलब वो नेचुरली तो आए नहीं थे. इट वॉज थ्रू अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, राइट? राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटिश नीडेड रॉ मटेरियल्स, ब्रिटिश नीडेड कॉटन इंडिगो टू सस्टेन दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उनको उस पर्टिकुलर औद्योगिक क्रांति को सस्टेन करने के लिए भारत से कच्चे माल की जरूरत थी, जिसके चलते भारत में एक व्यवसायीकरण, कृषि के व्यवसायीकरण या वाणिज्यकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की एक डेलिबरेट पॉलिसी आई. और मतलब भारत के लोगों से कहा गया कि आप कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाइए, फूड क्रॉप्स को मत उगाइए, मतलब. और ये एक डेलिबरेट पॉलिसी हो गई जिसके चलते फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज हुई और बाद में काफी बार फेमिन्स आए. तो ब्रिटिश के पीरियड में जो भी एक अनएंडिंग हिस्ट्री रही है फेमिन्स की, आप मतलब इस तरह का वर्ड का प्रयोग करें तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर इज एन अनएंडिंग हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन इंडिया. और आप फिगर भी बता सकते हो थोड़ा इम्पैक्ट दिखाने के लिए कि 4 लाख करोड़ से भी लोग इसमें मारे गए थे. जैसे कि बंगाल के फेमिन के बारे में प्रतीक सर ने बात करी, 40 लाख लोग मारे गए थे. और उसी में चर्चिल ने यह भी बोल दिया था, व्हाई डिडंट गांधी डाई, कि गांधी इसमें क्यों नहीं मर जाते फेमिन में. तो ये पूरा एक डेलिबरेट पॉलिसी के थ्रू हुआ था. एक नया एंगल में जो जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि ऑल्दो प्रतीक सर ने और पूरा ही बता दिया इस पे, एक एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि कुछ उनकी पॉलिसीज का इनडायरेक्ट रूल के रूप में भी भारत में फेमिन की या एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी बनी. ऐसे ही एक कारण वो जमींदारी सिस्टम से निकल के आ जाएगा, जिसमें जमींदार से एक्सपेक्ट किया गया था कि इसको अपना शेयर दिया जा रहा है तो भूमि की कंडीशन को सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, निवेश करेगा. लेकिन वो तो लैंडलॉर्ड, वो वहां पे तो उसके चलते जमींदारी सिस्टम के चलते एब्सेंटली लैंडलॉर्डिज्म हो गया. वो जो जमींदार था वो जाके शहरों में रहने लगा, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जीने लगा और उसको मतलब ही नहीं था. एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो एब्सेंट है और किसान पूरी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है किसान. और जमींदार सिस्टम में ब्रिटिश ने क्यों अपॉइंट किया जमींदार को, क्यों उसको ओनरशिप दी गई, क्यों उसको पूरा अधिकार दिया गया जैसे कि एक मालिक का अधिकार होता है? तो जमींदार सिस्टम में अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि जमींदार इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में जो उसको पैसा मिल रहा है, ताकि वो पैसे से और पैसा बना पाए. लेकिन जो ब्रिटिश की एक्सपेक्टेशन थी, जो ब्रिटिश ने सोचा था, वो हुआ ही नहीं. तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर में तो उसके चलते डिटेरियरेशन और स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ. तो एक उनकी जो पॉलिसी जमींदारी रही उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट के रूप में भी कृषि में गिरावट और स्थिरता आई इन्वेस्टमेंट ना होने के चलते. और वहां पे भी क्या होगा, आपकी फूड क्रॉप्स का वो बनेगा. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. बिल्कुल सही सर. एक पॉइंट मुझे लगता है कि क्योंकि इस पे प्रश्न ये है कि कॉलोनियल पीरियड में ऐसा क्या हो रहा था कि फेमिन एकदम से बढ़ गए, तो हमें कुछ उदाहरण इंट्रोडक्शन में कॉलोनियल पीरियड से पहले जो फेमिन आए हैं उनसे कैसे डील किया गया. अगर एंशियंट पीरियड में हमारे पास कोई उदाहरण है, मेडिवल पीरियड में हमारे पास उदाहरण है, उनको भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक कंपैरिजन हम कर सकें कि ऐसा हुआ क्या कॉलोनियल इंडिया में कि उस समय में ये एकदम से बढ़ गया. तो कुछ उदाहरण वहां से उठाए जा सकते हैं. तो जैसे एंशियंट पीरियड में हम सौहागोरा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे कि अनाज जो है उसको बंद ही नहीं रखना है, अकाल की स्थिति में उसको बांटा जाना चाहिए. इस तरह के कुछ स्टेप्स मिडिल पीरियड में राजाओं के द्वारा उठाए गए, तो उन्हें भी अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो वो एक एक अब्रप्ट जो इंक्रीज आया है, वो एक एकदम से बढ़ा है जो फेमाइन, वो हम बेहतर तरह से अपने आंसर में शो कर पाएंगे अगर हम पिछले फेमाइंस को कैसे डील किया गया उसके बारे में भी अगर इसमें ऐड करें. तो हेलो जी सर. तो मैम आपको शायद वो म्यूट करना पड़ेगा अपनी तरफ से एक बारी. तो आगे बढ़ने से पहले मैं लर्नर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स हैं हर पेपर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो.
ये जो लिंक आप लोगों को दी गई है उसके माध्यम से। और अगर आप लोगों को ये लिंक टाइप करने में कोई भी असुविधा होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से एक एक चीज को पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लाए हैं। साथ ही में मित्रों, हमें आप लोगों को बताते हुए ये भी काफी गर्व हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब 20 के 20 क्वेश्चंस, हमें बड़ा गर्व इस बात को बताते हुए कि या तो वो हमारे नोट्स 2.0 जो हम लाए हैं उनमें से आए। डेफिनेटली आरती मैम, प्रतीक सर और मेरी चर्चा हो रही थी तो हम देख रहे थे कि सर सर मुझे बता रहे थे कि सर ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आए मैंने पढ़ाया था, सर मैम बता रही थी कि सर ये देखिए यहाँ से मैंने बताया था, उसी तरह से मैं भी चर्चा कर रहा था। तो जब आप अनअकैडमी पे आते हो तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की उम्मीद से आते हो और हम उस उम्मीद पे पूरा खरा उतरने की प्रयास करते, ना केवल टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज के साथ साथ बल्कि टेस्ट सीरीज में आप देखो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नोट्स में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे गुप्ता आर्किटेक्चर की डिटेल में चर्चा कर रखी है, फिर आप देख सकते हो कि जो लाइन और बुल वाला जो क्वेश्चन आया उनकी भी इनडेप्थ चर्चा आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पे आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी। अभी हमने हाल ही में QEP प्रोग्राम भी लॉन्च किया था तो उसमें भी हमने ऑफलाइन प्रयास टेस्ट को लॉन्च किया था। एक इंपॉर्टेंट बात अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, और क्योंकि हमारा ज्योग्राफी का सत्र भी चालू होने वाला है तो हम अगले 4-5 मिनट में आप लोगों के लिए सेशन को एंड करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी हर रविवार आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक शानदार क्विज कॉन्टेस्ट लाता है जिसको आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट के नाम से जानते हो, और इसके क्वेश्चंस कौन बनाता है, टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं, प्रतीक सर, आरती मैम, मैं मृणाल सर, काफी ज्यादा रिसर्च के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आपको बताते हुए ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, 23 से भी ज्यादा लर्नर्स जो रेगुलर कॉम्बैट देते थे वो रैंकर्स बने यूपीएससी 2021 के एग्जाम में। तो आप केवल इसको स्कॉलरशिप की तरह मत देखिए, स्कॉलरशिप तो आप लीजिए ही सही और आप यहाँ से जो प्राइजेस है उनको जीतिए ही सही, लेकिन आप प्रैक्टिस के रूप में भी इसको देखिए अगर आप जो है अनअकैडमी कॉम्बैट को प्रयोग करते हो। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सर एंड मैम विद परमिशन, द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इस बार का पेपर काफी अनट्रेडिशनल इस दृष्टिकोण में रहा कि पेपर के 75 नंबर के, जैसे मृणाल सर ने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि जो वेटेज है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, डिफरेंस देखने को मिला तो अंदर के कंटेंट में देखने को मिला, क्योंकि इस बार फ्रीडम स्ट्रगल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आपका एक क्वेश्चन फेमिन से रिलेटेड, इकोनॉमिक पार्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, एक जो क्वेश्चन था आपका वो आर्मी से रिलेटेड था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड और उसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही था, ऐसा सदियों बार शायद हुआ होगा, लेकिन यू नेवर नो। यूपीएससी का जितना फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 18th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से ही निरंतर जारी रही एक प्रक्रिया रही है, उदाहरण सहित इसका विचार करें। तो प्रतीक सर आपसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज आप लर्नर्स को इस क्वेश्चन पे एनलाइटन कीजिए। मैम मैम से शुरू करवाते हैं सर। श्योर श्योर, आरती मैम प्लीज आप। इसको दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, दो पार्ट में इसका आंसर दे सकते हैं। पहले वो जो अर्ली फेज में हमें दिक्कतें आई थी जब भारत बस आजाद होने वाला था, उस समय में जिस टाइम पे यहाँ 500+ प्रिंसली स्टेट्स थे और माउंटबेटन के प्लान ने ये कह दिया था कि प्रिंसी स्टेट्स जो है वो उन पर निर्भर करता है कि वो आजाद रहना चाहते हैं या वो भारत में जुड़ना चाहते हैं या वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं। उस समय में वो तो माउंटबेटन थोड़ा इमेज को लेकर बड़ा कॉन्शियस व्यक्ति था, जिसके वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने उनको बोला कि क्या याद रखेगी भारत की जनता तुम्हें कि तुम टुकड़ों में तोड़ के चले गए। तब जाके उन्होंने मीटिंग करवाई और फिर सभी प्रिंसी स्टेट्स को बोला कि भाई इट इज बेटर आप छोटे छोटे टुकड़े हैं आपके ऊपर अटैक करके भारत या पाकिस्तान वैसे भी आपको कैप्चर कर लेगा तो पूरी इज्जत के साथ आप खुद ही उनमें ऐड हो जाइए। तो ऑलमोस्ट सभी ऐड हो गए थे लेकिन 6 ऐसे स्टेट्स थे
जो तैयार नहीं हुए 3 आजादी से पहले और 3 आजादी के बाद, तो आई थिंक हम उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जब बात है तो इसमें हम जो लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ भारत की आजादी के बाद, जैसे एसजीपीसी जो ग्रुप था, जो आज के समय में अकाली दल के रूप में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो यहाँ पे पुश था कि उनका कहना था कि जो पंजाब प्रोविंस है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाए, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बनाया जाए, या फिर आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन है, इनके ऊपर हम इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं और बॉडी वाले पोर्शन में भी लिख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ कुछ दूसरे भी स्टेट्स ऐसे थे जो यूरोपियंस ने कैप्चर किए हुए थे भारत की आजादी के बाद, उन स्टेट्स को कैसे एक्वायर किया गया और उनको कैसे यहाँ पर फॉर्म किया गया, उस पर्टिकुलर एरिया पर हम बातचीत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज वेरी मच डायरेक्ट क्वेश्चन। मोस्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस का जब हम टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन की, तो वो एरिया जो है वो हम इसमें कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस पे आप दोनों ज्यादा बेहतर पॉइंट्स ऐड कर पाएंगे, क्योंकि तो ये एरिया जो है ये मैं बहुत कम ही पढ़ाती हूँ सर। जी प्रतीक जी सर, जैसे कि मैम ने बताया, इसमें सर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग एक बार पहले चले जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिड 19 सेंचुरी से आज तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब मिड 19 सेंचुरी मतलब 1850 से लेके आज तक आपको कहानी लिखनी है। तो हम लिखेंगे कि 1850 से लेके 1950s और 1950 से लेके 2022 तक, प्रेजेंट तक पूछ दिया है सर, ठीक है ना? ऑनगोइंग प्रोसेस पूछा हुआ है। डिस्कस विद एग्जांपल्स, आई विल राइट इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। मैं लिखूंगा कि फ्रॉम द डे द ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पावर, दे स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरीज इन द स्टेट्स दे कैप्चर्ड। इट स्टार्टेड विद बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द कंपनी रूल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय 1850s व्हेन द रिवॉल्ट टुक प्लेस, द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड द स्टेट्स एज इट इज, बट द एरिया व्हिच वाज अंडर द ब्रिटिश इंडिया वाज कंटीन्यूअसली अंडर द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, वेयर सम काइंड ऑफ प्रेसिडेंसीज वर क्रिएटेड, सम काइंड ऑफ प्रेसिडेंसीज वर मर्ज्ड। से फॉर एग्जाम्पल, आगरा करके एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसको लेटर ऑन मर्ज कर दिया। सीपी करके एक नया स्टेट निकल के आया सेंट्रल प्रोविंसेस के रूप में, यूनाइटेड प्रोविंसेस के रूप में नया स्टेट की निर्माण की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी था, आसाम पहले बंगाल का पार्ट हुआ करता, आसाम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, चीफ कमिश्नर का प्रोविंस बनाया गया, लेटर ऑन फिर बंगाल के साथ जोड़ा गया, फिर अलग कर दिया गया। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन करना ये एक एग्जाम्पल के रूप में था। 1932 के अंदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का स्थापना करना ये भी एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रिंस स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ 1858 के अंदर क्वींस डिक्लेरेशन के अंदर कहा गया था कि हम नहीं करेंगे। ये बेसिस के रूप में हम लोग ये लिखेंगे कि 1947 के पहले कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन रहा है ब्रिटिश के द्वारा। दिस आर ऑल मल्टीपल एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेट्स। आखिर के बाद हम लोग 1947 से 1956 का फेज टू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स देने हैं। फेज टू के अंदर मैं जरूर से यहाँ पे बताऊंगा कि ए बी सी डी चार प्रकार के कैटेगरीज के स्टेट बनते हैं। ये चारों के चारों कैटेगरी के स्टेट थे भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर से नहीं, पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से ध्यान रखे गए थे, क्योंकि हमको कारण बताना है कि क्यों रीऑर्गेनाइज किए गए थे। आखिर में 1956 के अंदर लास्ट फेज के अंदर चला जाऊंगा, जहां मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि 1956 में फजल अली कमीशन ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जब रचना की गई तो डिसाइड किया जाता है कि हम इसको किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर निर्माण करेंगे। 1956 से लेकर अर्ली 2000 तक लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कुछ राज्य बने, कुछ राज्यों को कल्चरल बेसिस के रूप में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 2019 के अंदर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी पर्पज एज वेल। तो इनफैक्ट आप देखोगे तो इतना क्रोनोलॉजिकली पूरी कहानी निकल सकती है, हर एक के ऊपर पीएचडी हो सकता है। पर सर देखो, 250 शब्दों का ये सवाल जी था, तो मैं बहुत सारे डायमेंशंस लिखूंगा, कुछ 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 को हाईलाइट करता रहूंगा, नॉट ऑल, क्योंकि मुझे जस्टिफाई करना है 1850, 1950 एंड 2019 तक मैं सर लिखूंगा, और मैं आखिर में कंक्लूजन जम्मू कश्मीर के अंदर कहूंगा और कहूंगा कि बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट एंड इट परमिट्स द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, हेंस इट विल बी अ डायनामिक प्रोसेस, और ये होता ही रहेगा एज एंड व्हेन जरूरत होगी। तो मैं शायद इसको पॉलिटी के साथ भी सर जोड़ दूं कंक्लूडिंग स्टेप्स के रूप में सर।
जी सर, आपने बहुत ही आई थिंक आरती मैम आपको शायद जाना होगा, शायद आपकी क्लास है मैम इसलिए। जी सर, जी सर, सो थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए. इन क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन हुआ. अनुज सर एंड प्रतीक सर, इट वाज ग्रेट शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद बोथ ऑफ यू. और थैंक यू हम वेरी मच आगे मैम। इस तरह के सेशंस करते रहेंगे. थैंक यू सो मच. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और इसी के साथ डियर लर्नर्स इस सेशन को हम और आगे ना बढ़ाते हुए, प्रतीक सर और हमारे डिस्कशन तो हिस्ट्री पे है, आप लोगों को और भी सेशंस करेंगे सर साथ में, मौका मिला तो जी सर, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा सत्र चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर। हमारा जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर सेशन है, आप लोग अगर जाके देखेंगे इसी चैनल पे, वो चालू हो चुका है कुछ ही देर में। और फिर ज्योग्राफी का सेशन सुदर्शन सर और चंद्रमौली सर, मृणाल सर के साथ में लाएंगे। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके, और ये जो प्रतिबद्धता है हमारे लर्नर्स के प्रति, जैसे आरती मैम का भी सेशन है, वो सेशन लेने के लिए गई है, आपका दिन में सेशन था, हमने रिक्वेस्ट करी और आप तुरंत सर आए इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। सर मैंने इसी रिस्केड्यूल को भी करवा दिया सर. मेरा 6:30 से 8:30 रहता था, बट मैंने कहा जी कि नहीं, आज लाइव हम लोग करेंगे इसके लिए सर. तो पूरी प्रतिबद्धता से सर हम लोग तो लगे रहते हैं लर्नर्स के लिए। लर्नर्स भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का फायदा काफी तरह से उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया फ्री कॉम्प्रिहेंसिव सेशन हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जो है हर रविवार आप लोगों के लिए कॉम्बैट होता है, उसमें आप कल ही ज्वाइन करिए उसको, सुबह 11 बजे। वहां यूपीएससी के 2022 के लर्नर्स अपनी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी 2023 या 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कॉम्बैट को देना अभी से चालू कर दो। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली प्लेटफॉर्म में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक यूपीएससी लर्नर को तैयारी करने के लिए क्या चाहिए होता है, अच्छे नोट्स हमारे पास है, मेंस टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन के साथ हमारे सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमारे क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट है, डेली आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना होता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को वो भी मिल जाता है, और इसीलिए टॉपर्स की पहली चॉइस के रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सामने आया है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ टॉप ऑप्शनल्स का एक्सेस करके आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। प्लीज आप लोग अगले लेक्चर को भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रतीक सर बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी अलविदा। मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन विथ यू एंड मैम एंड ऑल द लर्नर्स एज वेल. लर्नर्स से एक ही गुजारिश रहेगी कि आप PYQ उसको प्रैक्टिस करिए. हिस्ट्री की जो हवा बनी है, जो खौफ बना हुआ, वो टूट जाएगा सर. और ज़रूर से सोसाइटी और ज्योग्राफी की लिंक के अंदर भी जाइएगा, वो शुरू हो चुका है सेशन. जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर थैंक यू वेरी मच सर.